हेलो एवरीवन, एग्जामिक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो सभी को पता है कि आउट हो चुका है। तभी आप देखेंगे क्या क्या जो है वो महत्वपूर्ण डेट है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, वैकेंसी किस तरह से है और किस तरह से जो है सैलरी रहने वाली है, और सिलेबस जो है क्या क्या है और किस तरह से जो है आप कवर कर सकते हो, और यहाँ पे जो है इस चैनल पे आपको जो है किस तरह से कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट देख लेना, ये सारे जो डिटेल्स हैं कैसे भरना है और क्या क्या जो चीज़ आपको पढ़ना है, क्या क्या जो है इसमें डिटेल्स दिए गए हैं, वो सब कुछ जो है आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। चलो एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये आप देखोगे जो जनरल ड्यूटी पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल है, ये जो BSF में है या फिर जो है आपको CISF में है या फिर ITBP में है या फिर CRPF में है या फिर आसाम राइफल में है, तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और टोटल पोस्ट जो है वो 25,271 पोस्ट है। ये यहाँ पे जो है टोटल ये मेल फीमेल के जो है मिला के है, और मेल और पार्टिकुलर देख लो तो 22,424 पोस्ट है, और फीमेल के लिए जो है वो 2,847 पोस्ट है वो फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए है। तो यहाँ पे जो अप्लीकेशन डेट है वो 17 जुलाई से जो है ओपन है और 31 अगस्त तक जो है वो लास्ट डेट है, और अप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा एग्जाम डेट जो है अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। जैसे नोटिफिकेशन होगा वो हम आपको जो है वीडियो में जैसे जैसे होगा वो बताते रहेंगे, आगे जो है चैनल पर आपको मिलते रहेगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे तो है 10th पास, यानी कि 10th पास है, इसके इक्विवेलेंट कोई भी जो है डिग्री होने चाहिए तो वो जो है एलिजिबल है इसके लिए। और एज लिमिट जो है वो है 18 साल से 23 साल के बीच में जो है आपका एज जो है वो होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 10th पास, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th पास है, इसके इक्विवेलेंट जो है जो होना चाहिए। लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो है कि 2 सितंबर तक जो है वो लास्ट डेट है इसका पेमेंट का। और ये पैटर्न जो है वो ऑनलाइन पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम का भी है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, और जो पेमेंट का ऑप्शन है वो भी आप ऑनलाइन जो है वो कर सकते हो। यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर और कुछ भी जो डाउट आपको वीडियो के लास्ट तक रह जाएगा तो आप चैनल पे जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो इसका PDF के लिए, ताकि इसके अलावा जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ तो उसका PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा एग्जामिंग चैनल पे, वहाँ पे जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास जो है रख सकते हो नोटिफिकेशन के तौर पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेल कैंडिडेट के लिए आप देखोगे जो सीट है वो किस तरह से है, तो यहाँ देखोगे टोटल सीट जो होगा 22,424 जो है टोटल सीट है, और इसमें से जो BSF के लिए है वो है 6,413, और जो CISF के लिए है वहाँ पे जो है सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, 7,610 सीटें हैं। और इसके अलावा जो है SSB के लिए है वो है आप यहाँ से देख सकते हो 3806, और ITBP के लिए जो है वो है 1216, और आसम जो आर्मी मैन है उनके लिए जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो असम राइफल में आर्मी मैन है वो है 3185 सीट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो SSF है उसके लिए जो है 194 सीटें जो है टोटल यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया है, और यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि SC ST OBC और जनरल के लिए जो है वो किस तरह से जो है वो सीटें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आप देखोगे जो BSF है BSF में जो है वो 1100 सीटें हैं, और ये सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1132 जो है ये BSF में है। इसके अलावा जो है CISF जो है उसमें 854 सीटें हैं, और इसके अलावा जो आसम राइफल है उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा 600 सीटें हैं, और जो ITBP है यहाँ पे जो है आपको 215 सीट देखने को मिलेंगे, और जो SSF है यहाँ पे जो है 46 सीटें हैं, और टोटल 2,847 सीटें जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो है आपको SSC GD जो है ये SSC.NIC.IN का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो SSC का है वहाँ पे जाके जो है आपको अप्लाई जो है ये करना है, और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है आप डायरेक्ट वहाँ से जो है इस वेबसाइट पे चले जाओगे, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से जो है चले जाना, लेकिन अभी मत जाना, पूरा वीडियो जो है वो देख के जाना। और वहाँ पे जैसे जाओगे वहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह से जो है वो होम पेज खुलेगा उसका, और अभी तक आप जो है SSC के साथ जो है रजिस्टर नहीं किए हो तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करना ये न्यू रजिस्टर पे, और यहाँ से जो है न्यू यूजर के तौर पे जो है अपना डिटेल्स फिल कर देना, रजिस्टर कर लेना, और उसके बाद जो भी SSC के द्वारा जो जो भी आएंगे फॉर्म आप देखते रहोगे यहाँ पे, जिस तरह से जो फॉर्म आएंगे उस फॉर्म को बस आप लॉगिन करके जो है फिल कर सकते हो, अगर एक बार आप डिटेल्स जो है डाल दोगे तो यहाँ पे जो है अगर आप पहले से जो कर सके हो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालना, यहाँ पे पासवर्ड डालना, और ये जो है आप कैप्चा जो है यहाँ पे डाल देना और लॉगिन कर लेना। यहाँ से लॉगिन हो गए तो उसके बाद जो है आपको भरने का ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने का, आप अप्लाई कर देना अपने डिटेल्स के साथ, जो भी डिटेल्स आप डाल रखे हो उसके साथ अप्लाई कर देना, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर हमें जो है नोटिफाई कर सकते हो, उस पर जो है एक डिटेल्स वीडियो जो हम लोग बना देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
तो जो SSC के लिए जो है यहाँ जीडी कांस्टेबल के लिए जो फ़ी है, तो जो मेल हैं उनके लिए जो है यहाँ पे फ़ी आप देखो देखने मिलेगा 100 रुपये जो है ये फ़ी है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी तरह के जो SC ST हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट है ये SC ST जो मेल हैं उनके लिए भी, तो ये जो है कोई भी फ़ी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमने बताया कि जो भी है 1 अगस्त 2008 तक आपका जो है 10th क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक जो है आपको जो 10th क्लास है वो कंप्लीट होना चाहिए, या 10th के इक्विवेलेंट कोई भी जो आप कोर्सेज कर रहे हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से वो जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब एज की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 1 अगस्त तक जो है वो आपका एज जो है वो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में जो है वो होना चाहिए। तो अगर आप 10th कंप्लीट कर चुके हो तो आप जो है ऑलमोस्ट जो 18 साल से जो है ऊपर अभी तक नहीं हुआ, अगर जस्ट आप जो है वो 10th कंप्लीट किए हो तो, क्योंकि वहाँ पे जो आपको 15-16 तक जो है अधिकतर जो है वो 10th कंप्लीट करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट जो है वो 11-12th में हो गए। आप 10th के बेसिस पे जो यहाँ पे भरना है तो वो जो है आप इसे भर सकते हो, और आपकी एज जो है इसके बीच में होना चाहिए 1 अगस्त 2021 को। अगर इसे ज़्यादा हो रहा है तो वो जो है आप एलिजिबल नहीं हो, और इसे कम हो रहा है तो भी जो है आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का, तो एज रिलैक्सेशन वो जो था बिल्कुल जनरल के लिए था। अगर आप एज रिलैक्सेशन में देखते हो तो OBC के लिए जो है यहाँ 26 साल है, SC ST के लिए 28 साल है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है अगर कोई जनरल है तो 26 साल के लिए है, और एक्स सर्विसमैन कोई OBC है तो 29 साल के लिए है, और एक्स सर्विसमैन कोई SC ST है तो 31 साल के लिए है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो भी डिसेबल हैं या फिर जो भी रायट्स में विक्टम है उनके लिए जो है एज लिमिट जो है यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरह से अगर अपने कैटेगरी को जो है उसमें जो आप एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर जो आप खोज सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पे सैलरी जो है वो किस तरह से रहने वाला है। तो जो इनिशियल सैलरी होगा कॉन्स्टेबल के लिए वो होगा यहाँ पे 23,527 रुपये जो है ये पर मंथ जो है ये इनिशियल सैलरी होगा। जहाँ पे बेसिक पे जो होगा वो होगा 21,700 का जो है वो बेसिक पे होगा। और मैक्सिमम जो SSC GD कॉन्स्टेबल का जो है ये जाता है वो आपको जो है ऑलमोस्ट 70,000 यानी कि 70,000 के आसपास जो है ये सैलरी जो है वो बेसिक पे जो है वो रहता है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ तक जो है जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 4 स्टेज जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस में है, और बहुत सारे लोग जो दे चुके हैं उनको पता है कि 4 स्टेज में जो एग्ज़ाम जो है ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा। जो पहला होगा होगा रिटन टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, और जिसके बारे में हम आगे जो है वीडियो में आपको सिलेबस भी बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे जो है उसकी प्रिपरेशन भी जो है वो करना है। इसके अलावा जो होगा ये होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसको जो है PET बोलेंगे, और ये इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या जो है इसका रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो PST, इसका भी हम देखेंगे क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है। और मेडिकल टेस्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा जो आपको मेडिकली जो फिट है, जो कि आई जो है मेनली, और फिटनेस आपका कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको टेस्ट होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो है आपको 4 जो है वो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का जो है वो आपको एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और टोटल 90 मिनट जो है आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 90 मिनट जो है वो एक क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट से जो है वो कम मिलेगा। यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट रहते हैं ये जनरल सब्जेक्ट है, जो कि आप कहीं भी जो है SSC वाला जो एग्ज़ाम भरते हो उसमें जो आपको ये जनरल देखने को मिल जाएंगे, और यही चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। जैसे कि इसका लेवल जो होगा वो 10th लेवल से जो है वो नीचे का होगा, यानी कि 10th लेवल के आसपास जो है इसका लेवल रहेगा। तो आप जैसे आराम से जो है कंप्लीट कर सकते हो, और किस तरह से करना है वो आगे हम बताएंगे। तो जनरल इंट्रेंस और रीजनिंग की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन में जो है 25 मार्क्स रहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, तो 25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स रहते हैं। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहता है जहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन से जो है 25 मार्क्स रहते हैं, और हिंदी या इंग्लिश रहता है। आपका मीडियम जो है चूज़ करना पड़ेगा, जिस मीडियम से जो आप रहेगा तो हिंदी इंग्लिश जो है यहाँ पर रहेगा 25 नंबर का रहेगा, और 25 जो है वो उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी यहाँ पे होगा वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर डिपार्टमेंट से जो है आपको 25 क्वेश्चन देखने को जो है वो मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हम आपको लास्ट में जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कैसे जो है वो कवर करना है, और किस तरह से जो है हम लोग जो है वो कवर कराएंगे। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे अब PET देखोगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है यहाँ पे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों की अगर बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन से नहीं है, यानी कि लद्दाख को छोड़कर पूरे ऑल इंडिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हें जो है 5 किलोमीटर जो है वो दौड़ना है 24 मिनट में। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट में, और लद्दाख के रीजन के जो है उन्हें जो है 1.6 किलोमीटर जो है ये दौड़ना है 6 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 800 मीटर है 4 मिनट में। तो यहाँ पे जो है ये हो गया, इसके लिए भी बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट है। अगर आप जो है 18 और 23 के बीच में तो आराम से जो है ये कंप्लीट कर सकते हो, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है PST जो होगा, इसमें जो है आपको देखने मिलेगा जो हाइट है जनरल OBC SC ST सब के लिए
जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हाइट जो चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर जो है ये चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 157 सेंटीमीटर जो है ये हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे हम एसटी के लिए बात करते हैं तो एसटी में जो है यहाँ पे थोड़ा सा छूट मिलेगा हाइट में। एसटी के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 162.5 जो है 162.5 जो है वो जो सेंटीमीटर है ये जो है हाइट चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 150 जो है ये चाहिए। यहीं अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो केवल मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। चेस्ट जो एक्सपेंशन होता है या जो जनरल जो है एससी एसटी उनके लिए, तो यहाँ देखो जो जनरल है एससी है और ओबीसी है उनके लिए जो है 80 बाई 5 चाहिए, और जो यहाँ पे एसटी हैं उनके लिए जो है 76 जो है ये चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने ये चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं सिलेबस जो कि मेन पार्ट है इस वीडियो का। तो सिलेबस में हम बात करते हैं, सिलेबस यहाँ देखो जो चार पार्ट है हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश में जो है आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आप चूज़ करते हो तो उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे चीज़ें देखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करते हो तो आपको जो है हिंदी मीडियम में जो है कंप्रिहेंशन आएंगे, राइटिंग आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन, पारा जंबल्स, इसका जो है आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस जो है आप देखोगे बहुत ही कम है बाकी एग्जाम के कंपेयर में, जो कि आराम से जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन होता है ये देखना है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी हो रहा है ये देखना है। इसके अलावा जो भी ऑनर्स हैं तो वो देखना है, अवार्ड्स या ऑनर्स हो गए ये देखने हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेट है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसके अलावा जनरल पॉलिटी है और करंट अफेयर है। तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है चैनल पे ऑलरेडी जो है वो चल रही है, तो यहाँ पे और भी चीज़ें जो है कराई जाएगी, जैसे करंट अफेयर, पॉलिटी, इंडियन जो हिस्ट्री अभी चल रहा है, सेंट हिस्ट्री का जो आपको क्विज चल रहा है, ज्योग्राफी का क्विज चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और आने वाले जैसे जैसे दिन जो आते जाएंगे, जैसे एग्जाम डेट आता है, तो अभी जो है अगस्त से जो है इसका पूरा प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा चैनल पे। और यहाँ पे जो है जो भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होगा ये जो है मैं देखूंगा, इसके अलावा जो भी इंग्लिश हिंदी वाला पार्ट होगा ये सारी चीज़ जो है मैं देखूंगा। बाकी जो यहाँ पे मैथ वाला पार्ट जो हो गया, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसके अलावा इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये सारे जो भी फंडामेंटल हैं, जो भी फंडामेंटल मैथमेटिक्स हैं, तो ये जो भी चीज़ें होगा ये जो आपको मनोज सर के द्वारा जो है कवर कराया जाएगा, और ये जो है आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट चीज़ें जो है ये कवर करा दिया जाएगा। जब तक एग्जाम आएगा उससे आपको जो है कुछ दिन पहले जो है सारी चीज़ें कवर करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा ये भी चीज़ें जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कवर कराया जाएगा, पूरा एग्जाम जो है आप कवर कर लो। यहाँ पे जैसे जो स्पेशल विजुलाइजेशन है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, विजुअल मेमोरी है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, इसके अलावा वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालॉग है, इसके अलावा जब देखोगे कोडिंग, डिकोडिंग है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस हैं, रिसेंट स्टडीज है और थ्योरी है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर करा दिया जाएगा। और जैसे जैसे जो है एग्ज़ाम आते जाएगा आप अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दो और चैनल पर बने रहो। और जो भी एसएससी जीडीई की कांस्टेबल के लिए पार्टिकुलर वीडियो आएगा उस वीडियो को आप पूरा जो है अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो केवल उसी पर फोकस करो, और उस जो भी चैनल पर वो वीडियो आएगा एसएससी जीडीई कांस्टेबल के लिए, तो वो जो है पूरा आप वीडियो देखो और एक एक वीडियो आप देखते जाओ। उसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस में मिलते जाएगा और एक अच्छे तरीके से जो है तैयारी होते जाएगा। तो ये जो भी सिलेबस है इसका जो है वो कंप्लीट कराने का जिम्मा जो है वो हमारे ऊपर है, और बाकी सारी जो भी आप पढ़ रहे हो कर रहे हो वो भी करो, और एक तैयारी जो है आप थोड़ा सा टाइम देकर जो है एक अच्छे तरीके से जो है तैयारी कर सकते हो, तो इसके साथ जो है कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए ये सिलेबस के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, आप जो चीज़ भी इसमें आपको महत्वपूर्ण लगा, कुछ चीज़ें छूट गया है, तो आप जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर भी जो है आपको डिटेल्स में जो है वो आपको जैसे भी होगा समझा दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे जो है आप जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जो है यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो हो मिल जाएंगे, ताकि रिवीजन के लिए बहुत ही जो है आसान रहे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले दिनों में जो है आपका जो भी प्रिपरेशन चल रहा है वो जो है बहुत अच्छी तरीके से चल सके। और सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए बेल बटन दबा देना, ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।